इवनिंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज रजनी सैनी, आई टीच इन आदर्श बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल चूंचू। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 20 की रीडिंग करेंगे, अवर प्लेनेट अर्थ। हमारा जो प्लेनेट है यानी जो ग्रह है वो है अर्थ। अर्थ मीन्स पृथ्वी। कौन सा है? पृथ्वी। पृथ्वी पे हम रहते हैं यानी अर्थ पे रहते हैं। हमारी लाइफ, हमारा जीवन कहाँ है? वो है अर्थ पे। स्टूडेंट्स, आज हम इसमें देखेंगे कि जो हमारी जो ये अर्थ है इसमें हमें कई तरह की जगह है वो देखने को मिलती है। कहीं जो जगह है वो बहुत ही उबड़ खाबड़ है, कहीं बहुत ज़्यादा गहरे गड्ढे बने हुए हैं, कहीं हिल्स बनी हुई है, पहाड़ियाँ बनी हुई हैं और कहीं माउंटेन्स बने हुए हैं। कहीं हमें बहुत गहरे गहरे समुद्र पानी देखने को मिलता है और कहीं है वो डेजर्ट देखने को मिलता है, रेगिस्तान को देखने को मिलता है। स्टूडेंट्स, आज हम इन्हीं चीज़ पे बात करेंगे कि जो हमारी जो लैंड है रहते हैं वो किस किस तरह की है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारी अर्थ है उसका एक मॉडल बनाया गया है जिसको क्या कहा जाता है, ग्लोब कहा जाता है। ग्लोब पे हम हमारी अर्थ को देख पाते हैं। जो हमारी अर्थ है उस पे सबसे ज्यादा क्या है, पानी है। और पानी को किस कलर से शो किया गया है? ब्लू कलर से शो किया गया है। जो ग्लोब पर ब्लू कलर होता है इसका मीन्स वहां क्या है, पानी है। और बाकी जो जगह है वो क्या है, वहां लैंड है। तो स्टूडेंट्स, आज हम हमारी इसी प्लेनेट अर्थ के बारे में बात करेंगे। तो आगे की रीडिंग हम से स्टार्ट करते हैं। तो आप बुक ओपन करें, चैप्टर 20 की रीडिंग स्टार्ट करते हैं, अवर प्लेनेट अर्थ, कि हम कौन से प्लेनेट पे रहते हैं। अर्थ पे रहते हैं। अर्थ मीन्स पृथ्वी। हम सभी को पता है कि हम अर्थ पे रहते हैं। लुक एट दिस प्लेसेस, इन प्लेसेस को देखो, इन जगह को देखो। देखिए, फर्स्ट में आपको क्या दिखाई दिया है, डेजर्ट। डेजर्ट मीन रेगिस्तान, जहाँ बहुत ही रेत होती है, मिट्टी मिट्टी होती है। और यहाँ मौसम कैसा रहता है, हमेशा गर्म रहता है। नेक्स्ट देखिए, प्लेन्स। प्लेन यानी मैदान। हमें अपनी अर्थ पे कई तरह की जगह है वो देखने को मिलती है। जैसे यहाँ हमने देखा डेजर्ट यानी रेगिस्तान, यहाँ प्लेन यानी मैदान देखा, यानी सपाट जगह है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, फॉरेस्ट। फॉरेस्ट मीन्स जंगल। कहीं हमें बहुत सारे पेड़ ही पेड़ दिखाई देते हैं। तो ये हमारी अर्थ है, इस पे तरह तरह की हमें जगह है वो दिखाई देती हैं। कहीं बहुत ज़्यादा गड्ढे हैं, कहीं बहुत ज़्यादा ऊंचाई बनी हुई है, कहाँ पानी भरा हुआ है और कहीं एकदम सूखी जगह है। तो ये हमारी अर्थ पे हमें बहुत सी जगह दिखाई देती हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है द अर्थ। यहाँ हम अपनी अर्थ के बारे में यानी पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे। अवर अर्थ, हमारी पृथ्वी, इज मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर। वो किससे बनी हुई है, लैंड यानी जमीन है हमारी अर्थ पे, और क्या है, वाटर है। तो हमारी जो अर्थ है यानी जो पृथ्वी है उस पे दो चीज़ें हैं, क्या है, एक तो लैंड है और एक क्या है, वाटर है। ग्लोब इज ए स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ। जो ग्लोब है वो एक छोटा मॉडल है किसका, अर्थ का, यानी एक नमूना है जिसपे हमारी पूरी अर्थ को हम देख सकते हैं। जैसे यहाँ ग्लोब दिखाई दिया है, तो ये एक मॉडल है, ये हमारी अर्थ को शो कर रहा है। यहाँ हमारी अर्थ दिखाई गई है जिसपे हमें जो ब्लू कलर दिखाई दिया हुआ है इसका मीन्स वहाँ क्या है, वाटर है। और जो बाकी का बचा हुआ पार्ट है वहाँ लैंड है। कभी आपको ग्लोब देखने का मौका मिले तो स्टूडेंट्स इस पर इसको ज़रूर देखना। वैसे तो नेट पे भी आपको ग्लोब है वो उसका मॉडल मिल जाएगा, तो आप उस पे भी देख सकते हैं, मोबाइल पे भी देख सकते हैं। तो ग्लोब क्या है, एक मॉडल है यानी नमूना है किसका है, हमारी अर्थ का यानी हमारी पृथ्वी का। द ब्लू कलर ऑन ग्लोब शो वाटर एंड द रेस्ट ऑफ इट इज़ द लैंड। तो देखिए, जो ग्लोब पर ब्लू कलर है, ब्लू कलर है वो किसको शो करता है, किसको दिखाई देता है, वाटर को। यानी ब्लू कलर है वो पानी, वहाँ पानी है। और जो बाकी का बचा हुआ पार्ट है उस पर क्या है, लैंड है यानी जमीन है। वी लिव ऑन लैंड। हमें पता है कि हम सब कहाँ रहते हैं, लैंड पे रहते हैं यानी जमीन पे, यानी पृथ्वी के ऊपर रहते हैं। माउंटेन्स, हिल्स, वैलीज, प्लेन्स एंड डेजर्ट आर डिफरेंट लैंड फ्रॉम।
तो देखिए हमें हमारी अर्थ पे अनेक लैंडफॉर्म यानी भू आकृतियां यानी कई जगह हैं वो देखने को मिलती है। जैसे कहीं कहीं क्या बने हुए हैं, माउंटेन्स बने हुए हैं यानी बहुत ही ऊंचे ऊंचे पहाड़ बने हुए हैं, और कहीं हिल्स हैं यानी छोटी पहाड़ियां बनी हुई है। माउंटेन्स हैं वो बहुत हाई होते हैं, बहुत ऊंचे होते हैं, और जो हिल्स होती हैं वो माउंटेन से कुछ कम होते हैं। वैलीज, वैलीज क्या होती है, जो दो माउंटेन्स होते हैं उनके बीच की जगह जो होती है, जो बहुत ही फर्टाइल होती है यानी उपजाऊ होती है, उसे क्या कहा जाता है, वैलीज कहा जाता है, जो हम आगे टॉपिक में भी पढ़ेंगे। तो वैलीज क्या है, एक दो पहाड़ों के बीच की जगह है जो रहने के लिए यूज में ली जाती है। प्लेन्स यानी कहीं कहीं मैदान बने हुए हैं, एंड डेजर्ट और कहीं पे क्या बने हुए हैं, रेगिस्तान बने हुए हैं, आर डिफरेंट लैंड फॉर्म। ये सभी विभिन्न आकृतियां हैं हमारी पृथ्वी की, ठीक है। तो आपसे कोई भी पूछे कि हमारी लैंड पे आपको कौन कौन से प्लेसेस हैं वो दिखाई देते हैं, तो आप आंसर देंगे माउंटेन्स, हिल्स, वैलीज, प्लेन्स, डेजर्ट एक्सेट्रा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफरेंट लैंड फॉर्म। यहाँ हम विभिन्न प्रकार की लैंड फॉर्म्स देखेंगे यानी भू आकृतियों के बारे में पढ़ेंगे। हाईलैंड्स आर कॉल्ड हिल्स, जो जमीन से ऊंचे होते हैं, जो ऊंचा उठा हुआ भाग होता है अर्थ का, जो ऊपर पहाड़ जैसा होता है, उसे क्या कहते हैं, हिल्स कहते हैं। हाई लैंड फॉर्म्स यानी जमीन से कुछ ऊपर उठा हुआ भाग, तो ये क्या है, हिल्स है। हिल्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स, जो हमारे जो पहाड़ हैं वो किससे बने हुए हैं, विभिन्न प्रकार की रॉक यानी चट्टानों से, कई प्रकार की चट्टानों से मिलकर क्या बना हुआ है, पहाड़ बना हुआ है, यानी हिल्स बनी हुई हैं। द वेदर इज प्लीजेंट थ्रू आउट द ईयर इन द हिल्स। देखिए जो हिल्स का मौसम होता है यानी वहाँ का जो वेदर होता है, मौसम होता है, वो कैसा होता है, प्लीजेंट होता है यानी सुहावना होता है, सुखद होता है, जो हमें सभी को बहुत अच्छा लगता है। हिल्स पे हम अपनी जो वैकेंसीज होती हैं तो वो अगर बिताने का मौका मिलता है तो हिल्स पे जाने जाते हैं, तो वहाँ हमें बहुत ही, वहाँ का मौसम इतनी ठंडी ठंडी हवा चलती है जो सबको बहुत ही पसंद आती है। थ्रू आउट द ईयर इन द हिल्स यानी पूरे साल भर, थ्रू आउट द ईयर यानी पूरे साल भर वहाँ का मौसम है, जो हिल्स का मौसम है वो कैसा रहता है, वो बहुत ही प्लीजेंट होता है, बहुत ही सुखद होता है, बहुत ही सुहावना होता है, जहाँ हम घूमने के लिए भी जाते हैं। तो हिल्स क्या है, हाई लैंड फॉर्म्स है यानी जमीन से ऊपर उठा हुआ भाग है, और यहाँ का वेदर कैसा रहता है, प्लीजेंट रहता है, बहुत ही सुहावना रहता है। नेक्स्ट पेज नंबर 103 की तरफ चलते हैं। वेरी हाई हिल्स आर कॉल्ड माउंटेन्स, वेरी हाई यानी कि जो पहाड़ होते हैं उनसे भी हाई होती हैं क्या, माउंटेन्स यानी पर्वत, जो पहाड़ों से भी ऊंचे होते हैं। मोस्ट पार्ट्स ऑफ द माउंटेन्स आर कवर्ड विद स्नो, और जो माउंटेन्स होते हैं इसका अधिकतर जो पार्ट है वो किससे ढका हुआ रहता है, स्नो से यानी बर्फ से ढका हुआ रहता है। जैसे यहाँ हमें माउंटेन्स दिखाए गए हैं जिसका बहुत ज़्यादा पार्ट है वो किससे ढका हुआ रहता है, स्नो से यानी बर्फ से ढका रहता है, क्योंकि जो ऊपर, जितनी ऊपर हम ऊंचाई की तरफ जाएंगे तो वहाँ का हमेशा ध्यान में रखना कि मौसम कैसा होगा, ठंडा होता जाएगा। जब हम पहाड़ पे चढ़ते जाएंगे तो वहाँ ठंडी ठंडी हवा हमें लगती जाएगी, तो इसलिए जो माउंटेन्स हैं वहाँ पे स्नो रहती है यानी बर्फ रहती है। दिस स्नो ऑफ द माउंटेन्स मेल्ट एंड फॉर्म्स रिवर्स, जो माउंटेन्स पे जो स्नो होती है, जो बर्फ होती है, वो मेल्ट होके यानी पिघल के किसके रूप में नीचे आती है, रिवर्स के रूप में यानी नदी के रूप में। इन पे जो बर्फ जमी रहती है वो जब सूरज निकलता है, सन निकलता है, उसकी गर्मी से ये बर्फ है वो पिघलने लगती है, और पिघल कर किसके रूप में नीचे आती है, नदी के रूप में यानी रिवर के रूप में हमारी लैंड पर वापस आ जाती है, ठीक है। तो माउंटेन्स आप समझ चुके हैं कि क्या होते हैं, जो हिल से भी ऊंचा पार्ट होता है, ऊंची जगह जो होती है वो माउंटेन्स होती हैं, स्नो से कवर होते हैं, और स्नो है वो सन से हीट होकर गर्मी से वो बहकर नीचे रिवर के रूप में आ जाती है। नेक्स्ट देखिए प्लेन्स, प्लेन्स यानी मैदान, जहाँ समतल जगह होती है, प्लेन जगह होती है, उसे मैदान कहते हैं। प्लेन्स आर वेरी लार्ज एंड फ्लैट एरिया ऑफ लैंड, जो मैदान हैं वो बहुत बड़े
पैमाने पे है, बहुत ज्यादा जगह पे है, फ्लैट एरिया है, यानी जो समतल एरिया होता है जिसपे हम अपने घर बना सकते हैं, रह सकते हैं, वो कौन सी जगह है? प्लेन्स है। ना तो हम पहाड़ पे अपना घर बना सकते हैं, ना माउंटेन्स पे। हम अपना घर भी कहाँ बना सकते हैं? प्लेन, यानी जो समतल मैदान बने हुए हैं वहाँ हम अपना घर बना सकते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल लिव हियर एंड ग्रो क्रॉप्स। मोस्ट ऑफ यानी अधिकतर लोग इसी जगह पे, यानी प्लेन पे ही जो मैदान होते हैं वहीं रहते हैं, और ग्रो यानी उगाना, क्रॉप्स यानी फसल, और अपनी फसल भी कहाँ उगाते हैं? इन्हीं प्लेन समतल मैदान पर फसल उगाते हैं और यहीं हम अपना घर बनाते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वेलीज। ए वेली इज एन एरिया बिटवीन हिल्स एंड माउंटेन्स। जो मैंने पहले भी बताया कि पहाड़ और माउंटेन्स के बीच की जो जगह होती है, जो रहने के लिए यूज में ली जाती है, उसको क्या कहते हैं? वेलीज कहते हैं। इट हैज़ वेरी फर्टाइल लैंड। ये बहुत ही फर्टाइल होती है, यानी उपजाऊ होती है। यहाँ जो क्रॉप्स होती है, यानी जो फसल होती है, वो बहुत अच्छी होती है। और देखिए वो फसल अच्छी क्यों होती है? क्योंकि यहाँ देखिए जो पानी बह के नीचे आता है, यानी नदी का जो पानी नीचे आता है, बह के आ रहा है, वो पानी अपने साथ क्या लाता है? कई तरह की कंकड़ पत्थर अपने साथ बहा के लाता है। यानी वो जो मिट्टी होती है वो क्रॉप्स के लिए, यानी फसल के लिए बहुत ही फर्टाइल होती है, उपजाऊ होती है। इसलिए लोग यहाँ रहना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ खेती अच्छे से की जा सकती है। तो वेलीज क्या है? जो माउंटेन्स और हिल्स के बीच की जगह है, जिसका लोग रहने के लिए और खेती के लिए यूज़ करते हैं, वो क्या है? वेलीज है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डेजर्ट। डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान, जहाँ बहुत ही मोटे मोटे लंबे लंबे रेत के टीले हमें दिखाई देते हैं, पहाड़ से बने हुए रहते हैं, किसके? मिट्टी के। डेजर्ट इन एन एरिया विद वेरी लिटिल और नो रेनफॉल। तो देखिए जो डेजर्ट है वो ऐसा एरिया है जहाँ पर या तो बहुत कम बारिश होती है या फिर होती ही नहीं है, या तो बहुत कम होती है। इसीलिए डेजर्ट जो है वहाँ लोग कम रहना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पानी की समस्या रहती है। लोग कई कई किलोमीटर पैदल या फिर ऊँटों पर चलकर, क्योंकि डेजर्ट में इजीली कौन चल सकता है? केमल ही चल सकता है। इसलिए वहाँ केमल का यूज़ होता है, और इन पर वो कई किलोमीटर चल के पानी है वो दूर दूर से भरने के लिए लाते हैं। तो यहाँ देखिए डेजर्ट में कम लोग रहना पसंद करते हैं, क्योंकि एक तो वहाँ गर्मी बहुत होती है, क्योंकि बारिश कम होती है। बारिश कम होगी तो वहाँ पे मौसम कैसा होगा? गर्म होगा, पानी की समस्या होगी, इसलिए लोग है वो कम रहते हैं। और यहाँ बहुत ही वेरी लिटिल, या तो बहुत कम बारिश होती है या नो रेनफॉल, या फिर होती ही नहीं है। इट इज़ कवर्ड विद सैंड एंड रॉक्स। ये किससे कवर्ड होता है? ढका हुआ रहता है, सैंड यानी रेत से, और रॉक यानी चट्टानों से ढका हुआ एरिया रहता है। वेरी फ्यू प्लांट्स एंड एनिमल्स आर फाउंड हियर। बहुत ही कम प्लांट्स यहाँ देखने को मिलते हैं, और एनिमल्स भी बहुत कम रहते हैं। देखिए जो केमल होता है वो इसलिए रह पाता है, क्योंकि केमल ऐसा एनिमल है जो एक साथ ही कई सारा पानी अपनी कुबड़ में स्टोर करके रख लेता है। फिर कई दिनों तक उसको पानी पीने की ज़रूरत नहीं होती। इसकी जो स्किन है वो बहुत मोटी होती है, तो इससे उसको पसीना भी कम निकलता है, जिससे वो पानी को स्टोर करके रख सकता है। और उसके पैर हैं वो एक नीचे से बहुत गद्दीदार होते हैं, जो इजीली सैंड में यानी इसमें मिट्टी में चल पाते हैं। इसलिए केमल या फिर कुछ ही एनिमल हैं जो यहाँ रहते हैं, और बहुत कम प्लांट होते हैं, ऐसे प्लांट होते हैं जो जिनको पानी की कम ज़रूरत होती है, ऐसे प्लांट वहाँ उगते हैं। क्योंकि बारिश कम होती है इसलिए प्लांट्स वहाँ पे जल जाते हैं। तो जो भी वहाँ डेजर्ट में प्लांट्स होते हैं उनके कांटे निकले हुए रहते हैं, क्योंकि पानी नहीं मिलने के कारण उनकी जो ऊपर फ्लावर्स नहीं आते हैं, ओनली कांटे ही आते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट यानी जंगल, जहाँ बहुत सारे पेड़ होते हैं। फॉरेस्ट इज ए लार्ज एरिया कवर्ड विद मैनी ट्रीज। जहाँ ऐसा जगह फॉरेस्ट है जो किससे कवर्ड रहता है? ढका हुआ रहता है, ट्री से, यानी पेड़ों से ढका हुई जगह को हम क्या कहेंगे? उसे हम फॉरेस्ट कहेंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड, देखिए यहाँ इंसर्ट लिखा हुआ है, इंसेक्ट आएगा, आई एन एस ई सी, आर को सी बना लीजिए, इंसेक्ट आर फाउंड हियर।
कि जो फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के बहुत से, मतलब कि जो लॉयन है, टाइगर है, वो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, वो भी कहाँ रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं, और कई बर्ड्स यानी पक्षी रहते हैं, और इंसेक्ट यानी छोटे कीड़े कीट जो होते हैं वो भी फॉरेस्ट में रहते हैं। तो फॉरेस्ट ऐसी जगह है जो बहुत से पेड़ों से कवर्ड रहती है जगह, और वहाँ डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स और इंसेक्ट हैं वो रहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम यहीं तक अपना चैप्टर रीड करेंगे, जहाँ तक मैंने आपको रीड कराया इसकी रीडिंग करेंगे। और आज के लिए आपका होमवर्क है कि जो हमारी अर्थ का जो मॉडल है, जिसे हम ग्लोब कहते हैं, तो इस ग्लोब की आप ड्राइंग अपनी ईवीएस की नोटबुक में बनाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।